हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है हमारे चैनल AS कंस्ट्रक्शन एंड टेक। आज का प्लान हमारा है स्मॉल हाउस प्लान। प्लॉट साइज़ की बात करते हैं, डाइमेंशंस की 10 फीट बाय 60 फीट। स्क्वायर फीट में बात करेंगे 600 स्क्वायर फीट, गज में बात करेंगे 67 गज। रिक्वायरमेंट क्या है, 1 BHK विथ कार पार्किंग। फेस डायरेक्शन का ईस्ट फेसिंग है, मतलब इस जो इसकी जो फेस है वो ईस्ट की तरफ है। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, अगर आपको आपको अपने घर का नक्शा बनवाना हो तो आप हमें इस पर मैसेज कर सकते हैं। ये इंस्टाग्राम आईडी हमारा AS कंस्ट्रक्शन एंड टेक के नाम से, आप इसमें हमें फॉलो कर सकते हैं। प्लान में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो तो आप हमें इस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। वीडियो की लास्ट में मैं आपको बताऊंगा इसका एक मंजिल बनाने में कितने खर्चे आएंगे, नंबर्स ऑफ कॉलम्स कितने प्रोवाइड होंगे, कॉलम साइज़ क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट क्या होंगे। अब हम बात करते हैं डाइमेंशंस की। तो ये है हमारा स्मॉल हाउस प्लान 10 फीट बाय 60 फीट का। गज की बात करें 67 गज है। स्क्वायर फीट की बात करें 600 स्क्वायर फीट है। यहाँ हमने कार पार्किंग दी है, स्टेयर्स दी है, लिविंग एरिया है, अटैच बाथरूम है लिविंग एरिया से, यहाँ गैलरी दी हमने, किचन दिया है, OTS है हमारा, बेडरूम है, बेडरूम से अटैच टॉयलेट बाथरूम है और एक OTS है। यह हमारा कार पार्किंग है। कार पार्किंग की डायमेंशन क्या है, 15 फीट बाई 9 फीट 4 इंच की। कार पार्किंग से आगे हम चलते हैं तो हमने यहाँ दिया है स्टेयर्स दिया है फर्स्ट फ्लोर के लिए। यहाँ से हम फर्स्ट फ्लोर के लिए जाएंगे, यहाँ से हम एंट्रेंस करते हैं, यहाँ से हम इंटर करते हैं लिविंग एरिया की तरफ। लिविंग एरिया जो है हमारा, उसकी डायमेंशन क्या दी है हमने, 9 फीट 8 इंच बाई 9 फीट 4 इंच की दी हमने। इसमें क्या हमने किया है, इसमें हमने अटैच टॉयलेट एंड बाथरूम जी है, जिसकी डायमेंशन है 3 फीट 8 इंच बाई 6 फीट की है। इसकी जो हमने वेंटिलेशन दी है 2 फीट वाइड दी है, इसकी सारी स्मेल जो है इसके थ्रू पास आउट हो जाएंगी। अब लिविंग एरिया के बाद हम चलते हैं गैलरी में। यहाँ हमने एक गैलरी दी है जिसकी जो डायमेंशन है 4 फीट वाइड है। इसके सामने हमने किचन दिया है, गैलरी के सामने हमने किचन दिया है जिसकी डायमेंशन है 7 फीट बाई 5 फीट जो है हमारा इसकी डायमेंशन है। इसमें हमने एक विंडो दिया है जिसकी डायमेंशन है 3 फिट। इसकी सारी स्मेल जो है इसके थ्रू OTS में, यहाँ से हमने एक OTS कनेक्ट किया, OTS दिया है जिससे इसकी सारी स्मेल इसके थ्रू पास आउट हो जाएंगी। फिर हम इधर आते हैं, हम यहाँ हमने दिया है OTS, यहाँ से एंट्रेंस है, यहाँ से OTS के लिए। OTS की जो डायमेंशन दी हमने 3 फिट बाई 5 फिट की OTS दी हमने। यहाँ से हम इंटर करते हैं बेडरूम की तरफ। बेडरूम की डायमेंशन क्या दी हमने, 13 फिट बाई 9 फिट 4 इंच की हमने एक इसकी डायमेंशन दी है। यहाँ एक बेडरूम हो जाएगा, यहाँ से हमने एक विंडो दी है जिसकी डायमेंशन है 3 फिट, जो कि OTS से यहाँ कनेक्ट है। यहाँ से ये जो इसकी ये दी है, इसकी जो हमारी वो है डायमेंशन है 3 फिट की है। आगे चलते हैं हम, बेडरूम से अटैच हमने टॉयलेट बाथरूम दिया है जिसकी डायमेंशन है 6 फिट बाई 5 फिट की है। यहाँ से हमने एक वेंटिलेशन दिया है जो OTS से इधर कनेक्ट है, जिसकी जो डायमेंशन है 2 फीट वाइड है। इसकी जो सारी स्मेल होगी, जो भी सारी स्मेल होगी, इसके थ्रू पास आउट हो जाएगी। यहाँ OTS से खुला एरिया दिया हमने, वो भी बेडरूम से अटैच है। इसकी जो डायमेंशन दी हमने 6 फीट बाई 4 फीट दिया है OTS की। तो ये था हमारा स्मॉल हाउस प्लान 10 फीट बाई 60 फीट का। अब मैं आपको बताता हूँ इसका एक मंजिल बनाने में कितने खर्चे आएंगे, नंबर्स ऑफ कॉलम कितने प्रोवाइड होंगे, कॉलम साइज क्या रहेगा। तो आउटर वाल इसकी होंगी 4 इंच की, इनर वाल होंगी 4 इंच की। नंबर्स ऑफ कॉलम कितने होंगे, 12 कॉलम्स होंगे। कॉलम साइज क्या होगा, 9 इंच बाई 9 इंच होगा। टोटल हाउस कॉस्ट यानी टोटल जो खर्चे आएंगे इसको बनाने में क्या होंगे, 8,50,000 आएंगे, मतलब 8,50,000 आपके इसके टोटल कॉस्ट आएंगे। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, अगर आपको अपने घर का नक्शा हमसे बनवाना हो तो आप हमें इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।